अरमान, अनवी कहाँ है? वो अपने रूम में नैनी के साथ। वो ठीक है ना? रो तो नहीं रही? मैं उससे मिलकर आती हूँ। अरमान, लेकिन मैंने तुम्हें वहां नहीं बोला, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। इतना गुस्सा तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इतनी छोटी बच्ची है, उसके साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर उसने जो किया, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। उसने कुछ किया ही नहीं अरमान। त्रिशा, उसका बिहेवियर देख, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इतना मिसबिहेव करने लगी हो। तुम समझ नहीं रहे हो, उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। मुझसे इतनी अटैच है और मैं ही जा रही हूँ। तुम खुद देखो ना, तुम्हें एक सेट करने में कितना टाइम लगा। तो वो तो बच्ची है, हमें उसके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसे डांटोगे तो वो हर्ट हो जाएगी। एनीवेज, मैं जाकर उससे मिलती हूँ। कनाब, टेंशन मत लो। समझना ही तो नहीं है उसे, त्रिशा को रोकना पड़ेगा। चाचा जी, अनवी अंदर है ना? हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ, मतलब उससे मिलना है मुझे। सॉरी प्रिशा, मैं तुम्हें अनवी से नहीं मिलने दे सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रिशा रुद्राक्ष खुराना हो। अब तक तुम इस घर में अरमान की वाइफ बनके रह रही थी, तो मैंने भी तुम्हें बहू का दर्जा दिया, बनने दिया उसकी प्रिश्मा, संभालने दिया अनवी को, कभी कुछ नहीं बोला। पर अब सब कुछ बदल रहा है प्रिशा। तुम रुद्र से शादी करके इस घर से जा रही हो, और ये भी सच है कि इस घर से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और वैसे भी तुम अनवी को रोज रोज थोड़ी संभालने आओगी, और आओगी भी कैसे? तो तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, तुम अपनी फैमिली संभालोगी या हमारा बोझ लोगी? बोझ? चाचा जी, क्या कह रहे हैं आप ये? मुझे पता है मेरा जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा तो मत बोलिए। मैंने कहा था ना, मैं जाऊंगी तो मेरा सिर्फ घर बदलेगा, रिश्ते नहीं। रहने दो प्रिशा, ये सब बेकार की बातें। तुम भी जानती हो कि एक इंसान एक ही टाइम में दो जगह नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान दो नाव की सवारी करेगा ना, तो खुद भी डूबेगा और साथ वाले को भी डुबो देगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, हमें बख्श दो। और वैसे भी अब तक तुम्हारे बिना ही जी रहे थे ना, तो आगे भी जी लेंगे। और बात जहाँ तक अनवी की है, उसको थोड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए कह रहा हूँ तुम अपना प्यार उससे दूर ही रखो, उसके लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी, उसे भी जीने की आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी अब तो अनवी की रियल मदर आ गई है, उन दोनों का रिश्ता मजबूत होने दो, तुम बीच में ना आई हो अब तो बेहतर होगा। हाँ प्रिशा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल थोड़े ही टाइम में अनवी तुम्हारे जितना ही प्यार करने लगेगी मुझसे। आई मेक श्योर ऑफ दैट, और मैं उसका ध्यान भी रखूंगी तुमसे कई ज्यादा। आफ्टर ऑल मेरा ही तो खून है वो, मैं उसकी सगी माँ हूँ। तो तुम अभी प्लीज उसके पास मत जाओ, उसके लिए इजी होगा। याद आ गया तुम्हें, तुम्हारा अपना खून, तुम माँ हो उसकी, ये सब तब याद नहीं आया था जब उसे छोड़कर गई थी। छोड़कर तो तुम भी जा रही हो ना, तो अगर इतना एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे तो रुक जाओ। ये सब बोलना ना बहुत आसान है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना, तो इंसान के लिए ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जाओ, जाकर अपना मतलब पूरा करो, और मुझे अनवी के साथ रहने दो। मेरी बच्ची है, और वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसे तो समझ नहीं आता, पर तुम तो समझती हो ना सब कुछ। थैंक गॉड, अरमान ने मुझे टाइम से फोन कर दिया था, सब कुछ संभाल लिया मैंने, और प्रिशा को अंदर नहीं जाने दिया। मुझे प्रिशा को रोकना पड़ेगा। चाचा जी को कॉल करता हूँ। चाचा जी, प्रिशा अनवी से मिलने जा रही है उसके रूम में, प्लीज जाइए और उसे रोकिए। प्रिशा को अनवी से मिलने नहीं देना है, वरना फिर से समझा बुझा के उसे पटा लेगी। हमें अनवी की गुस्सा और नफरत कम नहीं होने देना है, बल्कि और बढ़ाना है। तो जल्दी जाइए और उसे रोकिए। तुम भी जल्दी जाओ। इसलिए मैंने प्रिशा को अंदर नहीं जाने दिया। संभाल तो मैंने भी लिया ना चाचा जी, आपने देखा नहीं कैसे बोलती बंद कर दी मैंने उसकी। आई होप अरमान के पास कोई अच्छा सा प्लान हो। अब सब कुछ अरमान को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ करूंगी ना, तो रुद्र और प्रिशा को शक हो जाएगा मुझ पर। इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया है। अच्छा, आप अनवी को खाना खिलाकर आती हूँ मैं। अच्छी माँ बनने की एक्टिंग जो करनी है मुझे, खोलिए जरा इसे। So everyone, congratulations to Rudra and Prisha for their wedding. इतनी wonderful शादी हुई है, तो थोड़ा celebration और करते हैं।
रुद्र, मुझे भी रियलाइज हुआ तुम्हारी एक शादी तो हो गई पर बैचलर पार्टी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं यार, मुझे वो सब नहीं करना, और वैसे भी मेरी शादी तो हो गई ना, अब मैं बैचलर थोड़ी रहा। अरे अरे ये क्या बात हुई भाई, अभी भी एक शादी बाकी है, वो भी पंजाबी स्टाइल। तो बैचलर पार्टी तो कर सकते है ना, और जब सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है तो बैचलर पार्टी तो बनती है ना। मैं तो कहता हूँ आज रात ही पार्टी करते हैं। क्यों? बिल्कुल, आप अरेंज करो, मैं अरेंज करता हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, इट विल बी जस्ट अस मैन। ठीक है, हम फैमिली मेंबर्स, तुम, मैं, अप्पा, चाचा जी, हम सब, और किसी क्लोज फ्रेंड को बुलाना है तो बुला सकते हैं। वी हैव अ रॉकिंग बैचलर पार्टी। नहीं अरमान, कोई बैचलर पार्टी नहीं होगी। अरे क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां लड़के क्या करते हैं। क्या करते हैं? तो तुम्हें अपने रुद्र पे भरोसा नहीं? बोलो। ऑफ कोर्स भरोसा है ना रुद्र पे, लेकिन अप्पा। अप्पा क्या? अप्पा वो। अरे तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लुक प्रशा, जिंदगी भर की मेमोरी बन जाएगी रुद्र के लिए, इनफैक्ट हम सबके लिए। बिल्कुल, तो प्लीज यार मना मत करो, कम ऑन। हाँ प्रीशा, एंजॉय करने दो ना इन्हें। वैसे भी हम एक काम करते हैं ना, हम गर्ल्स की पार्टी करते हैं। हाँ, गर्ल्स बैचलरेट करते हैं हम। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पहली बार कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है ना वसुधा जी? मैं भी इनसे थोड़ी देर दूर रहूंगी। क्या? मेरा मतलब है शारदा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, बच्चों के लिए इतना कर ही सकते हैं। ग्रेट, देन इट्स फाइनल, हम पार्टी कर रहे हैं और वो पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी मैं। लेकिन उस पार्टी में ना एक स्पेशल ड्रेस कोड होगा स्पेशली आप दोनों के लिए। मतलब ड्रेस कोड होगा वेस्टर्न, हम लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनेंगी। परफेक्ट, तो प्लान हो गया, लड़कियां अपनी पार्टी करेंगी और हम लड़के अपनी पार्टी करते हैं। आज रात सब मिलते हैं और इस रात को यादगार बनाते हैं। बिल्कुल, सुन लिया वसुधा जी, बच्चों की शादी के बाद अब हम लड़कियां बन गई हैं।